नमस्कार साथियों, आप सभी का कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज बहुत 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 महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो सारे के सारे दोस्त एक बार जल्दी से मेरे से जुड़ जाइएगा। आज इतनी बड़ी खुशी की बात लेके आया हूँ कि आपको लगेगा कि सर मजा आ गया है, सर आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भीड़ से तो अलग चल करके तो दिखा। तो जमाना खुद पहचान लेगा, अलग चल के दिखाना है, उसी के लिए आपके पास में आज भी कुछ खबरें लेके आया हूं। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएगा। अपन आज बातें कर रहे हैं दोस्तों, अपन बातें कर रहे हैं एम्स के अंदर सीटों में हुई बढ़ोतरी। क्या खुशखबरी है, क्या खुशखबरी है, क्या सर सच है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सच है। एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग की सीटें बढ़ गई है और पूरी सीटें क्या, पूरा एम्स ही नया खुल गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। सारे के सारे दोस्तों, पहले अपने पास के अंदर जो एम्स थे, इसके अंदर अपने पास में आपके पास में जो कॉलेज थी वो टोटल 17 कॉलेज थी। कितनी कॉलेज थी टोटल? 17 कॉलेज थी। और आपके पास में खुशखबरी दूंगा बाद में, पहले एक एक स्टेप को समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप खुशखबरी आपके पास में कैसी आई, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मेरी बात को सुनिएगा बेटा, एम्स एक एग्जाम होता है, आप सभी को पता है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूं कि बेटा एम्स एक बीएससी नर्सिंग करने के लिए, अगर अपन एम्स से अलग अलग एम्स से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एक कॉमन एग्जाम लगता है, उसका नाम होता है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट लगता है। उसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपन को टेस्ट देना होगा और टेस्ट देने के बाद में उसके अंदर अपनी काउंसलिंग के थ्रू अपन को कॉलेज मिलता है और कॉलेज मिलने के बाद में अपन बिल्कुल फ्री के अंदर एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना, पहले एम्स के अंदर एक एक स्टेप सुनिएगा। एम्स के अंदर बेटा एक बात को ध्यान से सुन लेना, सारे बेटा एक बात ध्यान में रखना, एम्स के अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो लड़के बोलेंगे कि सर हम क्या करें फिर, आपके लिए भी एम्स से अगर आप भी करना चाहते हो तो आपके लिए दूसरा कोर्स है और उसका नाम है पैरामेडिकल। बिल्कुल हाँ सही सुना, आप एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हैं और जो भी गर्ल्स है ये एम्स से क्या कर सकती है, बीएससी नर्सिंग कर सकती है। तो एम्स के अंदर बेटा ध्यान से सुनिएगा, एम्स जैसे पहले अपने पास में जो एम्स की सूची थी वो बताता हूं, कौन कौन से एम्स है जहां पे जाके आप अपने सपनों की गवर्नमेंट कॉलेज का सपना पूरा कर सकते हो। पहले वाला था एम्स दिल्ली एम्स, पहले कौन सा एम्स था बेटा, दिल्ली एम्स। अभी आपको खुशखबरी दूंगा, खुशखबरी दूंगा, पहले सर हमारे को पहले खुशखबरी दिखा दो, पहले खुशखबरी दिखा दो। लो पहले आपको खुशखबरी दिखा देता हूं, सारी की सारी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर, एक ही क्लास में आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। ये रही आपके सामने खुशखबरी, आपके सामने ये रही खुशखबरी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। एम्स जम्मू नया कॉलेज खुला है और जिसके अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग की इंप्रूव हो गई। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, सपनों के चार चांद लगने वाली बात हो गई ये। तो बिल्कुल इसके बारे में बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एम्स की जो पुरानी कॉलेज है और अभी नई कॉलेज ऐड हुई है उनके बारे में एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी समझाता हूं बेटा। आप इधर देखिएगा बेटा, ओ मेरे रसगुल्लो टेंशन नहीं लेने का, राज सर सारी की सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे आपको, आप लोड मत लीजिएगा, आप तो एक एक बात को समझिएगा बेटा। पहले जो एम्स की सीटें थी गवर्नमेंट कॉलेज थे, पहले एम्स के अंदर ये थे बेटा, एक एम्स दिल्ली था, बठिंडा था, भोपाल था, भुवनेश्वर था, ये तमाम प्रकार के, जोधपुर एम्स था, कल्याणी था। और ये एम्स कितने थे बेटा, पहले एम्स थे टोटल गुवाहाटी था, गुवाहाटी अभी खुला था आपकी साली। तो टोटल एम्स कितने थे बेटा, पहले 17 थे, टोटल कितने थे राजा बेटा, 17 एम्स थे। कितने थे अभी आपको बताता हूं, टोटल पहले 17 थे। और इसी सूची के अंदर अगला नंबर जुड़ गया है एम्स 18 जम्मू का। अरे गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया, एम्स 18 कौन सा जुड़ गया बेटा, जम्मू का जुड़ गया। अब तो आपके सपनों को चार चांद लगेंगे, इससे बड़ी खुशखबरी की क्या बात होगी। एम्स जम्मू ऐड हो गया, पहले अपने पास में सीटें थी कितनी, 1231 टोटल सीटें थी। कितनी सीटें थी बेटा, पहले अपने पास में 1231 टोटल सीटें थी गवर्नमेंट की। अभी आपको बता, अभी सीटें कितनी हो गई है वो बताता हूं। अभी 17 तो थे, 17 के बाद में देखिएगा बेटा, 17 के बाद में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझिएगा आप। हाँ 17 के बाद में अभी जो नई सूचना है, ये नई सूचना सबसे ताजा खबर देखिएगा बेटा, 20 मई को सबसे ताजा खबर आई है अपने पास में और अपन को बहुत खुश होना चाहिए कि एम्स के अंदर
एक नया एम्स जम्मू खुला है, इसके अंदर बीएससी नर्सिंग की सीटें है, जनरल की 24 है और बाकी 6 है, ओबीसी की 15 है। तो टोटल सीटें, ये टोटल सीटें कितनी है बेटा, 60 सीटें है टोटल। टोटल सीट्स कितनी है बेटा, 60 सीटें है। टोटल सीट्स कितनी है बेटा, 60 सीटें है टोटल। और आप इसमें देखिएगा, टोटल सीट 60 है और पहले कितनी थी बेटा, 1231। 60 ये हो गई तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 1291 सीटें हो गई। 1291 में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीटें हो गई। लड़के बोलेंगे, सर हमारे लिए पैरामेडिकल में क्या तोहफा दिया एम्स ने, आपके लिए भी तोहफा आया है, पैरामेडिकल के अंदर भी सीटें इंप्रूव हुई है। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, पैरामेडिकल के अंदर भी सीटें बढ़ी है, पैरामेडिकल के अंदर भी सीटें इंप्रूव हुई है बेटा। तो आपके लिए दूसरा तोहफा देखिएगा बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 1291 में टोटल सीट हो गई है अभी एम्स के अंदर, और पहले सीट थी 1231, तो आपके पास में डबल तोहफा मिल गया है, बहुत बड़ा तोहफा मिल गया है बेटा। बहुत फर्क पड़ता है, 60 सीटें बढ़ने का मतलब होता है बहुत फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। अब की बार कट ऑफ के ऊपर बहुत भारी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 60 सीटें बढ़ने का मतलब बहुत कुछ हो जाता है बेटा। अपन को दिखता है 60 सीट ही बढ़ी है, सर क्या फर्क पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ता है बेटा, एक एक सीट का फर्क पड़ता है बेटा, है ना। तो आपको यह पता होना चाहिए इसके बारे में। सर हमारे को थोड़ी सी जानकारी ये दे दीजिएगा, अभी आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, ये रही लड़कों के लिए खुशखबरी, आपके लिए पैरामेडिकल के अंदर, एम्स मंगलगिरी के अंदर, पैरामेडिकल कोर्स के अंदर टोटल सीटों की इंप्रूव हुए हैं। ये सीट बड़ी है, 5 सीटें बड़ी है, 5 बड़ी है, 5 बड़ी है, 10 बड़ी है, 10 बड़ी, ये सीटें बड़ी है किसके अंदर, पैरामेडिकल के अंदर। किसके अंदर सीटें बड़ी है बेटा, ये पैरामेडिकल के अंदर सीटें इंप्रूव हुई है। तो ये लड़कों के लिए तोहफा हो गया और वो गर्ल्स के लिए तोहफा हो गया, तो सभी के लिए तोहफा दिया है एम्स ने, तो बहुत खुशी की बात है। तो अब देर किस बात की, अब की बार जाएंगे एम्स के अंदर, अब की बार जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज एम्स के अंदर जाएंगे, अब की बार बठिंडा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जम्मू जाएंगे और अपने सपनों को 4 चांद लगाएंगे। सर इसके जाने की प्रोसेस क्या होती है, सर आपने सारी बातें बताई हमें समझ में आ गई, लेकिन सर आप ये बताइएगा कि इसके अंदर हमने फॉर्म भर रखा है एम्स का, अब हमारे पास में समय कम है, तो हम कैसे इस गवर्नमेंट कॉलेज में जल्दी से जल्दी इसी साल हम हमारा सपना पूरा कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मैंने बेटा पुरानी सीटें कितनी थी वो बता दी, नई सीटें कितनी थी वो बता दी, मैंने ये बता दिया एम्स जम्मू खुला है, एम्स मंगलगिरी खुला है, तो एम्स मंगलगिरी के अंदर ये सीटें ऐड हुई है, एम्स जम्मू के अंदर टोटल 60 सीटें ऐड हुई है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्य ने परिवार ने दी है। अब आपके सपनों को सच कैसे करना है, ये जानकारी तो पूरी दुनिया देती है बेटा, ये जानकारी तो पूरी दुनिया देती है। अब देखिएगा आपको रियल में अपने सपनों को सच कैसे करना है, इस बात को समझिएगा, आपको सपनों को सच हकीकत में कैसे बदलना है बेटा, इस बात को समझिएगा बेटा। इसकी एग्जाम होगी, इसकी एग्जाम के अंदर याद रखिएगा आप, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, और 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे बेटा, जीके के आएंगे। 10 क्वेश्चन किसके आएंगे बेटा, जीके के आएंगे। आपको अभी क्या करना है, एक बात याद रखना है बेटा, अभी आपके पास में समय कम है, इसके अंदर सिलेबस कौन सा आएगा बेटा, 11th का भी आएगा, कौन सा आएगा, 12th का भी आएगा। सर इतने कम समय के अंदर 11th और 12th कैसे करेंगे, अरे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, परिवार है, राज सर है, वादा करते हैं एग्जाम से पहले अगर 11th और 12th का ऐसा रिवीजन नहीं करवाया जो तुमने साल भर में नहीं किया, तो आप बता देना सर आपने वो बात गलत बोली थी। सर इसके लिए क्या तोहफा मिलने वाला है, इसके लिए सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, 25 तारीख से लेके कंटिन्यू 7 तारीख तक मैराथन स्टार्ट हो रही है। वाह रे क्या बात, सही है बोली सर, क्या सच में ये होने जा रहा है, हाँ बिल्कुल सच में ये होने जा रहा है, 25 मई से लेके 7 जून तक एक मैराथन चालू हो रही है। मैराथन का नाम है महाकाल मैराथन, जो हर बच्चे के सपने को सच बदलेगी महाकाल के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से बेटा। तो बिल्कुल आपके पास में कल से शाम को 6 बजे से मैराथन स्टार्ट हो रही है, कल शाम को 6 बजे से मैराथन स्टार्ट होगी, और ये मैराथन डेली शाम को 6 बजे चलेगी, और डेली शाम को लगभग 12 बजे तक ये मैराथन कंटिन्यू रहेगी। इस मैराथन में पूरे 11th और पूरे 12th सारे के सारे टॉपिक्स अपन क्लियर करेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना सर, बिल्कुल सही सुना, इस मैराथन के माध्यम से सर क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं, बिल्कुल बेटा 100% गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। क्यों, क्योंकि इस मैराथन में तमाम प्रकार की जो टीचर्स है, तमाम प्रकार की फैकल्टी है, ये सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आ रही है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस मैराथन में वही टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर सेम पूछे जाने वाले टॉपिक्स होंगे। तो जल्दी, अब देर किस बात की, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं परिवार के अंदर, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस,
कि YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और कल शाम को 6 बजे इंतजार खत्म करते हैं आपका और मैराथन की शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू मैराथन चलेगी 14 दिन तक और उसके अंदर पूरी 11th के टॉपिक करेंगे और पूरी 12th के टॉपिक करेंगे और आपकी जो एम्स की एग्जाम होगी, पैरामेडिकल की एग्जाम होगी, इसमें आपकी 100% जीत होगी। आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। ये सपना 100% कॉन्सेप्ट आर्यन परिवार आपके साथ में चलकर कदम से कदम मिलाकर ये सपना 100% पूरा करेंगे बेटा। तो बिल्कुल आपको सारी की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, मैंने बता दिया आपको कि पहले अपने पास में 1231 सीटें थी, अभी 1291 सीटें हो गई है, सीटों में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है और एम्स जम्मू एक नया एम्स खुला है। उसके अलावा आपको ये पता चल गया कि जो एम्स के अंदर जो मंगलगिरी एम्स है इसके अंदर पैरामेडिकल की सीटें भी इंप्रूव हुई है। तो सारी की सारी खुशखबरी है और सर चारों तरफ से खुशखबरी आ रही है, उधर से सीटें बढ़ा दी, इधर से आपने मैराथन चालू कर दी महाकाल मैराथन। तो अब देर किस बात की, हम हमारी तैयारी को मजबूत करते हैं, अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और एग्जाम के ऊपर बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। तो सारे के सारे दोस्तों, आपके जो भी दोस्त है सभी दोस्तों के पास में शेयर कर देना इस सूचना को कि कॉन्सेप्ट आर्यन परिवार महाकाल मैराथन 25 मई से स्टार्ट कर रहा है, 7 जून तक कंटिन्यू मैराथन चलेगी। शाम को 6 बजे से लेके 12 बजे तक का जो समय है उसको लॉक कर दीजिएगा मैराथन के नाम और 8 तारीख को आप अपना रिजल्ट देखिएगा, आपको जरूर शानदार मजा आएगा। तो बिल्कुल पूरी बायोलॉजी करेंगे, पूरी केमिस्ट्री करेंगे, पूरी फिजिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये एम्स के अंदर जो एम्स जम्मू है उसके अंदर सीटें इंप्रूव हुई है, पहले की सीटें भी अगर आपको दिखाना चाहूं तो पहले की सीटें भी आप देख सकते हो सारी की सारी। आपको पैरामेडिकल की सीटें भी दिखा देता हूं बेटा, पैरामेडिकल की सीटें भी आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये अपने पास में जो सीटें हैं ये सीटें किसकी है बेटा, पैरामेडिकल की सीटें है। देखो बेटा तमाम प्रकार के पैरामेडिकल के है, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट है, तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट में अलग अलग सीटें हैं, तो ये पैरामेडिकल की सीटें। किसकी सीटें बेटा, पैरामेडिकल की। इसके अलावा बेटा अगर अपन बातें करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो ये बीएससी नर्सिंग की टोटल सीटें हैं और पहले टोटल कॉलेज कितने थे, 17 थे और अब टोटल कॉलेज कितने हो गए हैं, 18 हो गए। एक नया मेहमान जुड़ा है और उस मेहमान का नाम क्या है, एम्स जम्मू, नया मेहमान जुड़ा है। तो बिल्कुल सारे बच्चे स्वागत करेंगे, एम्स जम्मू में जाएंगे, बिल्कुल बेटा उसका इंतजार पूरा था जो इंतजार करेंगे। तो ये 1231 सीटें थी, इसके अंदर 60 सीटें अपने पास में लगभग नई ऐड हो गई है, तो 1291 सीटें अपने पास में टोटल हो गई है। तो ये अपने पास में नाम देख लीजिएगा, दिल्ली हो गया, बठिंडा, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, उसके अलावा कल्याणी, मंगलगिरी, पटना और रायबरेली, सारे एम्स है इसके अंदर, गुवाहाटी, ऋषिकेश, रायपुर, तो सारे एम्स है। और इसके अलावा नया एम्स है 18वें नंबर का और वो कौन सा है, एम्स जम्मू वाला एम्स है। पैरामेडिकल के अंदर बड़ी है ये, किसके अंदर बड़ी है, मंगलगिरी के अंदर बड़ी है, एम्स मंगलगिरी के अंदर सीट बड़ी है, वो पैरामेडिकल की सीटें बड़ी है, कुछ सीटें बड़ी है लेकिन बड़ी है सीटें। तो बिल्कुल दोनों के लिए ऑफर है, आप लड़कियों के लिए ऑफर है, लड़कों के लिए ऑफर है। तो जल्दी से, अब देर किस बात की, अब देर किस बात की, देर किस बात की, सभी के लिए ऑफर दिया है एम्स ने दोनों कैटेगरी को ऑफर दिया है, एम्स ने दोनों कैटेगरी को ऑफर दिया है, आपको भी ऑफर दिया है। तो अब देर किस बात की, इसके अंदर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने भर रखा है वो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दो और जो पैरामेडिकल की एग्जाम देने वाले हैं वो भी सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल शाम को 25, याद रखना डेट नोट कर लेना बेटा, डेट नोट कर लेना, 25 मई को शाम को 6 बजे महाकाल मैराथन की शुरुआत होगी और ये मैराथन चलेगी कंटिन्यू आपकी एग्जाम तक। आपको जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक ये मैराथन कंटिन्यू रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, अभी जो बच्चे RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस की एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 23 मई से मॉर्निंग और इवनिंग बैच स्टार्ट हुआ है कॉन्सेप्ट आर्यन परिवार में। तो जल्दी से आइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवाएगा, देर किस बात की, जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही है, सपना पूरा करना है, तो अब देर ना कीजिएगा, जल्दी से आइए, अपना रजिस्ट्रेशन बुक करवाइएगा और अपनी कोचिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।